गया महागठबंधन की चुनावी सभा में अत्यधिक भीड़ होने के कारण मंच टूटा। कई कार्यकर्ता मामूली रूप से घायल। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, बिलागंज के राजद विधायक सुरेंद्र प्रसाद यादव सहित कई वरिष्ठ नेता मंच पर थे मौजूद। जिले के बिलागंज के पड़ाव पर मैदान में आयोजित था कार्यक्रम, किसी कारणवश कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सके नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। और यहाँ पर बाकी सब लोग आए हुए हैं और हमारा मुद्दा सिर्फ और सिर्फ है कि बहुत अरसे के बाद यहाँ हमको मौका मिला है गया जिला को सेवा करने के लिए मुख्यमंत्री के रूप में 9 महीना रह करके। ऐसे तो समस्त बिहार के लिए 34 निर्णय लिया जिसमें गरीब किसान अल्पसंख्यक महिला अनुसूचित जाति सबके विकास का कार्यक्रम अपनाया था और उसमें गया और मगध के विकास के लिए भी कई एक योजनाएं हमने दी थी। आज मेरे दिल में ये तमन्ना है और यहाँ के मतदाताओं में भी ये जिज्ञासा है कि एक बार जीतन मांझी पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में जाएंगे तो निश्चित रूप में यहाँ बहुत सारी योजनाएं ऐसी है जिसके वो ध्यान नहीं गया है या उसको काट दिया गया है उसको चालू कराया जाएगा और गया जिला का विकास होगा जिसमें हमारा बेला भी है। तो इस तरह से यहाँ के लोक में इस तरह की बात चल रही है कैंडिडेट को देख करके। और ये भी बात सही है कि आज बिहार में पूर्व मुख्यमंत्री कोई कैंडिडेट नहीं है सिर्फ जीतन राम मांझी है। तो इस पद को लेकर के डायरेक्ट यहाँ के लोग इतना उत्साहित हैं कि हमको समझ में नहीं आता है कि कहीं कोई चैलेंज है। हाँ एक ही बात है, यहाँ जनता दल यूनाइटेड के कैंडिडेट से लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई सिर्फ और सिर्फ हमारे नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं उनके साथ है और वो कर रहे हैं अपने ऑफिशियली मशीनरी का दुरुपयोग कर रहे हैं। चाहे जीविका बहने हो, अन्य प्रकार के आशा बहने हो, सब लोगों को सरकारी खर्च पर पैसे मिलते हैं लेकिन अपने पार्टी के लिए वो उपयोग करा रहे हैं। यही सत्ता का दुरुपयोग है जिसके चलते हम लोग यही सजेस्ट करना चाहते हैं आप लोगों के माध्यम से कि जो सरकारी पैसा ग्रहण करते हैं और आज नीतीश कुमार जी के कहवावे में काम कर रहे हैं वो ऐसा न करें। वो सरकारी पैसा लेते हैं जिसमें सबका सहयोग और सबका योगदान है। कल हम लोग आएंगे तो लोग जानते हैं चाहे शिक्षक हो चाहे सेविकाएं हो। चलिए बहुत धन्यवाद। अब हम मखदुमपुर के देश और विधायक हमारे श्री लालू प्रसाद यादव जी के चहेते मखदुमपुर विधायक सुधार दास जी से हम अनुरोध करेंगे कृपया मंच पर आए। हाँ।